संघ का एक बड़ा नाम, राज्यसभा सांसद बने, मंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। 1975 में इमरजेंसी के दौरान जेल गए, 1996 में राज्यसभा भेजे गए, 1999-2000 में राज्य रेल मंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, और 2000 और 2001 में राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, और नाम बंगारू लक्ष्मण। और ठीक उसी समय उनके ऊपर एक स्टिंग किया तहलका नाम के एक वेब पोर्टल ने, और एक फर्जी कंपनी गई उनको ये कहने के लिए कि थर्मल बाइनोक्यूलर्स सेना में सप्लाई करवाने का कॉन्ट्रैक्ट हमें देंगे तो आपको हम पैसे देंगे, और कैमरे पे उन्हें 1,00,000 रुपए लेते हुए पकड़ लिया गया। और उसके बाद जो बवाल हुआ, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत उनके ऊपर केस चला स्पेशल सीबीआई कोर्ट में, और 2012 में उनको 4 साल की सजा हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, और 4 साल की सजा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए घूस लेते हुए। उनकी तबीयत खराब थी, बेल उनको मिली, और फिर 2 साल बाद 2014 में उनकी मृत्यु हो गई। मगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को 4 साल की जेल की सजा हुई, वो कन्विक्टेड थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपना डेकोरेटेड लीडर माना था, मगर वो टेंटेड लीडर मिले। तस्वीर अच्छी तरह से देख लीजिए, ये तस्वीर है जहां पे वे ब्राइब लेते हुए पकड़े गए थे। सजा मिली उन्हें, कन्विक्टेड। सजा काटी नहीं, क्योंकि उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया, उनको लंग्स की कुछ प्रॉब्लम थी, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। मगर सजा मिली, कोर्ट ने पाया उन्होंने घूस लिया था। ऐसे होते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष।